चीन की विस्तारवादी नीति हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अपने पड़ोसी देशों को प्रलोभन देना, उनकी जेब भरना, उसके बाद कर्ज के बोझ तले दबा देना और जब उस कर्ज के दलदल में फंस जाएं तो उनकी गर्दन पकड़कर उनकी संपत्तियों पर हक जता लेना, ये चीन का वो प्रोपेगेंडा, वो एजेंडा है जो लगातार एक एक पड़ोसी देशों पर देखने को मिल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं श्रीलंका को लेकर, वो श्रीलंका जो हिंदुस्तान के नक्शे में भले छोटा नजर आता हो लेकिन विशाल परेशानियों से इन दिनों परेशान है। आवाम सड़कों पर है, मंत्रालयों से इस्तीफा हो गया है, पेट्रोल डीजल वहां है नहीं, बिजली वहां आती नहीं है, प्रॉपर्टियां खत्म होती जा रही है और यहां इस स्थिति के लिए वो जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि चीन उसका हाथ पकड़कर यहां कर ले गया है। श्रीलंका जो कोरोना की वजह से टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी परेशानियां झेल रहा था, पैसों की जरूरत थी, श्रीलंका ने पैसा दिया और उसके बाद उसे कर्ज के दाल में फंसा दिया। आलम यह है कि अब उसकी संपत्तियों पर हक जताना शुरू कर दिया। हम्बन टोटा कोलंबो पोर्ट जो है उस पर श्रीलंका के अब चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे चीन का यह विस्तारवाद सिर्फ श्रीलंका नहीं बल्कि बाकी पड़ोसियों के लिए एक परेशानी का सबब है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीलंका जैसे फलते फूलते देश को चीन कैसे दीमक की तरह धीरे धीरे खा गया, चीन कैसे दुनिया के दूसरे देशों को लालच देता है, स्लो पॉइजन देकर खत्म कर देता है, ये समझिए आज तक के इस एक्सप्लेनर में चाइना का खेल। कुछ समय पहले तक श्रीलंका एशियाई देशों में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, उसकी जीडीपी भारत के बराबर पहुंचने वाली थी, उसका प्रदर्शन आर्थिक तौर पर प्रोग्रेसिव देशों के मापदंडों के हिसाब से लगातार बेहतर होता गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा टूरिज्म पर निर्भर है जो इसकी इकोनॉमी को बड़ा आधार देता है। इसके साथ श्रीलंका कपड़ा उद्योग में भी दुनिया का बड़ा बाजार बनकर उभरने लगा। सॉफ्टवेयर से लेकर एयरलाइन सेक्टर और पोर्ट्स तक, ऑटो पार्ट्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी श्रीलंका लगातार ग्रो करने लगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि फलता फूलता श्रीलंका आज भूखमरी के कगार पर है। खाने पीने की चीजें कड़ी राशनिंग में मिल रही हैं। एक लीटर दूध के लिए हजारों रुपए तक देने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। एक डॉलर की कीमत 200 श्रीलंकन रुपए के भी पार जा रही है जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इकोनॉमी तबाह हो गई है और इस सब के पीछे है चीन का बढ़ाया दोस्ती का हाथ जिसने श्रीलंका को खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। श्रीलंकन सरकार ने भी अपने तुगलकी फरमानों से चीन की पूरी मदद की। श्रीलंका में फरमान जारी किया गया कि केवल ऑर्गेनिक खेती ही की जाएगी। ऐसे में उर्वरकों और कीटनाशकों पर रोक लगा दी गई और चीन ने श्रीलंका को क्या दिया, सस्ती घटिया ऑर्गेनिक खाद। आपको चाणक्य की बात तो याद होगी ही, किसी पौधे को नष्ट करना हो तो उसकी जड़ ही खत्म कर दो। बस वही हुआ श्रीलंका में। ज्यादातर फसलों को कीड़े खाने लगे, फसलें सड़ने लगी, उर्वरक का इस्तेमाल न करने से उत्पादन बेहद कम हो गया। श्रीलंका अपनी बेसिक जरूरत के लायक भी उत्पादन नहीं कर पाया। खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। इससे बाजार में डिमांड और सप्लाई का खेल ऐसा बिगड़ा कि ये देश त्राही त्राही करने लगा। हालांकि सरकार जमाखोरी को दोष देती रही लेकिन चीनी रिश्ते ने श्रीलंका के लोगों के जीवन में चीनी की मिठास नहीं बल्कि जहर घोल दिया। पिछले एक दशक से चीन श्रीलंका के लिए बड़ा कर्जदाता बना। भारत की जगह चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। देखने में श्रीलंका को सब अच्छा लग रहा था। चीन जैसे ताकतवर देश का साथ, सस्ती दरों पर ढेर सारा पैसा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लिहाजा ये दोस्ती और गहरी होती चली गई। पिछले लगभग 5 सालों में चीनी निवेश कई गुना बढ़ गया। चीन की ही दी हुई कोरोना की मार के समय श्रीलंका को और झटका लगा और चीन पर उसकी डिपेंडेंसी और बढ़ गई। यहां आपको कुछ बातें खास तौर पर समझनी जरूरी हैं। चीन 3 तरीकों से विदेशों में निवेश करता है, उधार, निवेश और व्यापार। पहले चीन किसी भी देश को बहुत सारा पैसा आसानी से बहुत कम ब्याज पर उधार या लोन के तौर पर देता है। चीन के इस जाल में शिकार फंस जाता है। फिर वो उस देश के आधारभूत ढांचे में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करता है। तो इस आसान सस्ते उधार और इन्वेस्टमेंट के नाम पर चीन उस देश को इतना पैसा देता है जो लौटा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब यहां से शुरू होता है ड्रैगन का तीसरा दांव, व्यापार।
बिजनेस के नाम पर उस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने और संपत्तियां निगलने का खतरनाक खेल। ड्रैगन की इस जकड़ से छूट पाना फिर आसान नहीं होता। इसी तरह श्रीलंका की कई सारी परियोजनाएं चीन के पास गिरवी चली गईं। हम्बनटोटा बंदरगाह, मटाला हवाई अड्डा, कोलंबो पोर्ट सिटी, कोलंबो कटुनाई के एक्सप्रेसवे, इसके साथ ही पाक जलडमरू क्षेत्र में अनाइलाइटिवू और नैनातिवू हाइब्रिड बिजली घर की परियोजनाएं। कुछ परियोजनाएं तो चीन के पास 99 साल की लीज पर हैं, जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने के लिए 116 हेक्टेयर रिक्लेम्ड लैंड सीएचईसी पोर्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 99 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका चीन का कर्ज लौटा पाने में असमर्थ था। कोलंबो बंदरगाह में जो नया शहर चीन बसाएगा, वहां श्रीलंका की नहीं चीन की मर्जी चलेगी। यहां मल्टी करेंसी के नाम पर चीनी युआन को मंजूरी दी गई है, खरीद फरोख्त में इसका इस्तेमाल होगा। श्रीलंका के लोगों और विपक्ष का भी ये मानना है कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी बिल संसद में पारित किया गया है, वो श्रीलंका को चीन का उपनिवेश यानी कॉलोनी बना देगा। श्रीलंका पर 5 अरब का कर्ज चीन का पहले ही था, कोरोना के दौर में 1 अरब का कर्ज और लिया गया। श्रीलंका पर अब कुल कर्ज का 18% सिर्फ चीन का ही है। श्रीलंका ने ये कैसे नहीं सोचा कि हमेशा से संदिग्ध विश्वसनीयता वाले चीन ने उस पर दिल खोलकर पैसा क्यों फेंका, कैसे फेंका? ये बात वक्त पर श्रीलंका ने समझी ही नहीं या जानबूझकर नजरअंदाज किया। जो भी हो, अब श्रीलंका भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। श्रीलंका को 12 महीनों के अंदर घरेलू और विदेशी लोन चुकाने के लिए 7.3 अरब डॉलर चाहिए। ड्रैगन की ऐसी चालों से कई देशों को बचकर रहना होगा। चीन की विस्तारवादी नीतियों का शिकार दूसरा देश पाकिस्तान हुआ है। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की तमन्ना रखता है, लेकिन इस तमन्ना में अपने ही घर में आग लगा दी। आलम यह है कि चीन आज पाकिस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। ग्वादर से लेकर कराची पोर्ट पर इन दिनों चीन का कब्जा है, और सिर्फ यही नहीं, वहां पर राजनीतिक जो हलचल है उसके पीछे भी चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन कई बार आप दूसरों के घर में आग लगाने के चक्कर में जब खुद के घर में आग लगाते हैं, तब आपको समझ में आता है। ये बात पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि चीन उसे बर्बाद कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल हो रहा है, उसके व्यापारों को, उसके सामानों को रिप्लेस कर रहा है, जो आगे आने वाले वक्त के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी ये मूर्ख पाकिस्तानी आज भी चीन पर भरोसा किए बैठे हैं, इस उम्मीद से कि शायद इनके सहारे हिंदुस्तान को परेशान कर सकेंगे। जरा देखिए चीन के इस विस्तारवादी सोच में पाकिस्तान कैसे फंसा है, इसको लेकर। चीन की विस्तारवाद नीति का एक महत्वपूर्ण शिकार है पाकिस्तान। ड्रैगन के कर्ज से दबे पाकिस्तान का फिलहाल उसके चंगुल से निकलना आसान नहीं लगता। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्ज 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी, जिसमें लगातार बढ़ रहे कर्ज के चलते पाकिस्तान की सार्वजनिक कर्ज की स्थिति खराब होती जा रही है। कर्ज चुकाने के लिए पाक को और उधार चाहिए, इसके लिए वो फिर चीन की तरफ देख रहा है, सस्ते कर्ज की मांग कर रहा है। लेकिन चीन ने ये साफ कर दिया है कि जिस दर पर कर्ज मांगा जा रहा है वो संभव नहीं। इमरान खान जनवरी 2022 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान भी चीन गए थे, लेकिन किसी खास मेहमान की भूमिका में नहीं, बल्कि उधार चुकाने की मियाद को 1 साल और बढ़ाने के लिए। हैरानी की बात है कि लगातार उधार के नाम पर घिरने की चीनी चाल के बाद भी इमरान खान चीन का ही गुणगान कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में चीनी कंपनियों के 40% स्टॉक्स हैं। आतंकी घटनाओं के चलते पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान से हाथ खींचे हुए हैं, इसका पूरा फायदा चीन उठा रहा है। चीनी निवेश मंच के नाम पर इमरान खान चीन का और ज्यादा पैसा अपने देश में लाना चाहते हैं, या यूं कहें कि अब वो पाकिस्तान को चीन के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। पाकिस्तान के बाजारों में चीनी सामान की भरमार हो गई है। चीन जानता है कि आर्थिक रूप से कमजोर करके किसी देश के लोगों को कैसे उसके सस्ते सामान की लत लगानी है। पाकिस्तान अब चीनी उधार के जाल में फंसता ही जा रहा है। पाक की विदेशी मुद्रा जब कम होती है तो वो फिर चीन से कर्ज मांगता है, जब चुका नहीं पाता तो और कर्ज मांगता है, और ये कुचक्र चलता जाता है। ड्रैगन पर भरोसा करके पाक खुद को लगातार फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगातार गिर रही पाक रुपए की कीमत की वजह से 2.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का सार्वजनिक कर्ज बढ़ गया है।
पाकिस्तान का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां चीन ने पाक में निवेश नहीं किया। मछली पालन, माइनिंग, लेदर जैसे उद्योगों में अब चीन का दबदबा है। सरकारी कामों के ठेके भी चीनी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिसका पाकिस्तान के व्यापारी विरोध भी करते हैं, लेकिन हुक्मरानों पर कोई असर नहीं होता। अब आपको कुछ और बातें बताते हैं जिससे पाकिस्तान में चीन की चाल समझने में आसानी होगी। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट 43 साल के लिए चाइना के पास है, लेकिन वो ये प्रोजेक्ट कब पूरा करेगा, करेगा भी या नहीं, पाकिस्तान की पूछने की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ग्वादर के लिए लिया हुआ चीन का 10 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने में पाकिस्तान नाकाम दिख रहा है। 2015 में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की घोषणा की गई थी। इसका कथित मकसद था ग्वादर के दक्षिणी पोर्ट को पश्चिमी चाइना से जोड़ना, जो पाक के कमजोर हो रहे आधारभूत ढांचे को मजबूती देता। इसके लिए 2017 तक चीन ने करीब 34 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने को कहा था। लोन बढ़ता जा रहा है और अब चाइना की नजर कराची पोर्ट पर टिक गई है। ग्वादर का काम अधर में है और पाकिस्तान कराची पोर्ट भी चीन पर न्योछावर करने को तैयार है। कराची पोर्ट में चाइना 3.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा, यानी पाक पर बढ़ेगा और कर्ज। कराची पोर्ट को लेकर चीन की नीयत वही है जो श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट को लेकर, पहले कम ब्याज पर निवेश का झांसा और फिर कब्जा। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमेशा डाउटफुल रहती है, जो आतंक के ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पर बदनाम है, उस पाकिस्तान पर चीन इतना प्यार क्यों और कैसे लुटा रहा है? वजह है पाक की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो चीन को व्यापार से कहीं बड़ा फायदा दे सकता है। दरअसल चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना को पूरा करने के लिए कमजोर कड़ी कौन खेल रहा है, वो जानता है कि किन देशों को वो कर्ज के जाल में फंसाकर अपना मकसद पूरा कर सकता है। पाकिस्तान लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और बिगड़ते राजनीतिक हालात से जूझ रहा है। ऐसे में पाक के आर्थिक तंत्र को हाईजैक करना चीन के लिए मुश्किल नहीं है। बदले में चीन पाक के संपन्न संसाधनों को लूटने के मकसद से अपनी पैठ बढ़ा रहा है और पाक की भौगोलिक स्थिति के जरिए साउथ एशिया में घुसपैठ बढ़ाना चाहता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की लागत पाकिस्तान में पहले 46 बिलियन डॉलर थी, जो अब 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, यानी पाकिस्तान पूरी तरह चीन के शिकंजे में है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिका के चले जाने के बाद चीन की लालची नजर वहां के लिथियम भंडारों पर है। वहां पहुंच बनाने के लिए भी चीन पाक को जरिया बनाना चाहता है। उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में इन्वेस्टमेंट करके चीन दिखाना चाहता है कि वो पाक के साथ है, लेकिन दरअसल वो अपनी सामरिक शक्ति मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान ने तो फिलहाल अपने हर दरवाजे ड्रैगन के लिए खोल रखे हैं, लेकिन पाक की ये मेहमान नवाजी उसे ही नहीं पड़ोसी देशों को भी महंगी पड़ रही है। इसका अंदाजा पाक को नहीं है और चीनी ड्रैगन अपने पैर पसारता ही जा रहा है। चीन की विस्तारवादी सोच का हिस्सा वन बेल्ट वन रोड भी है। चीन हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और हिंदुस्तान को घेरने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों से, खासतौर पर वो जो हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं, वहां पर अपने सामरिक जाल को बढ़ा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इसका अगला शिकार अगर कोई है तो वो है नेपाल। हालांकि नेपाल में लोग इसको समझ भी रहे हैं, कई बार आवाम सड़कों पर उतरी है, चीन का खुलकर विरोध किया है, चीन के शिकंजे से बचाने की अपील भी की है। लेकिन जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चीन के विस्तारवाद नीति का अगला शिकार नेपाल कैसे, और कैसे जब नेपाली प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं तो वो ये समझ कर आते हैं वो चीन के जाल में शायद थोड़ा ही लेकिन फंस चुके हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर अपने विस्तारवाद का जाल बिछा रहा है और छोटे देश उसका बड़ा शिकार हैं। अब नेपाल को लेकर भी ड्रैगन ने अपनी लालची नीयत दिखानी शुरू कर दी है। निवेश के नाम पर या नेपाल के विकास के नाम पर ड्रैगन ने वहां धीरे धीरे पैर पसारे। चीन की कई बातें विकास के नाम पर या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर नेपाल को अच्छी लगी। इनमें प्रमुख है हिमालय के बीच से गुजरती काठमांडू केरंग रेलवे परियोजना। 72.25 किलोमीटर की लाइन पर 2.25 बिलियन US डॉलर खर्च आएगा। इसका मोटा फायदा सीधा चीनी कंपनियों को होगा। परियोजना के नियम और शर्तों में नेपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसकी तय सीमा बढ़ती है और उसके चलते खर्चा बढ़ता है तो भी नेपाल इसमें कोई सवाल नहीं कर सकता और इसका मुनाफा होगा चीन को, चीनी कंपनियों को। कच्चे माल से लेकर हर निर्माण कार्य तक सारा ठेका चीनी कंपनियों को ही दिया जाएगा।
रेलवे से चलते हैं एविएशन सेक्टर की तरफ। चाइना ने 6 एयरप्लेन्स नेपाल को कथित सस्ती दरों पर दिए थे, लेकिन वो अब नेपाल के गले की फांस बन गए हैं और इन्हें ग्राउंड करना पड़ा, यानी उन प्लेन्स का अब कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके बावजूद उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी हाई है कि नेपाल परेशान है। न तो वो इन प्लेन्स को चला सकता है और ना ही रख सकता है। कथित ग्रांट के बाद भी चीन को मोटा पैसा मिला था। नेपाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह या तो समझ नहीं पा रहा या उसकी आंखों पर कथित तौर पर विकास की पट्टी पड़ी है। नेपाल के पब्लिक डेट मैनेजमेंट ऑफिस के हिसाब से जो डेट 5 साल पहले जीडीपी के मुकाबले 25.65% था, वो अब बढ़कर 41% तक पहुंच गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। नेपाल की आर्थिक हालत और कूटनीतिक पेचीदगियों का फायदा उठाकर चीन नेपाल के घरेलू मसलों में भी घुस रहा है। कोविड में वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए भी चीन नेपाल पर कर्जा बढ़ाने में लगा रहा। इतनी दोस्ती दिखाने के बाद भी चीन ने वही किया जो उसकी फितरत है, यानी पीठ में छुरा घोंपना। बीबीसी को मिली नेपाली सरकार की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन नेपाली सीमा पर कब्जा कर रहा है और नेपाल की जासूसी करवाई जा रही है। चीन का MSS नेटवर्क चीन का एजेंडा नेपाल में फैलाने का काम करता है। ये नेपाल से दूसरे देशों के रिश्तों को भी निशाने पर रखता है। नेपाली लोगों के प्रसिद्ध पूजा स्थान लालुंगजांग में नेपाली लोगों को चीनी सैनिकों ने पूजा करने से भी रोक रखा है। ये कोई नई बात नहीं है। चीन नेपाली सीमा पर कई बार कब्जा कर चुका है। मस्तंग, गोरखा, दोलखा, रसुआ में चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली चीन की अंधभक्ति करते आए, लिहाजा कभी चीन की घुसपैठ को लेकर कोई सरकारी रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। लेकिन अब ये पुख्ता सबूत नेपाल सरकार के हाथ लगे हैं, जिसमें पता चला है कि चीन नेपाल के हमला डिस्ट्रिक्ट के लिमी में कई बिल्डिंग्स बना चुका है। इसके अलावा नहर और सड़क तक बनाने में लगा है। वहीं चीन ने उत्तरी इलाके में स्थित बॉर्डर पॉइंट भी बंद कर दिए हैं। इससे नेपालवासी गुस्से में हैं। गौर करने वाली बात है कि ये जगह भारत के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। चीन जहां लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों को सफल बनाने के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं उसने नेपाल को दबाव बनाकर बहुत लंबे समय तक अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन का हिस्सा बनने से भी रोका। लेकिन अभी हाल ही में नेपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नेपाल को इससे क्यों रोका गया, अब ये समझिए। चीन कतई नहीं चाहता कि जिस देश को वो अपनी सॉफ्ट लोन पॉलिसी के जाल में फंसा रहा है, वहां अमेरिका का दखल हो जाए, क्योंकि यहां बात नेपाल के फायदे की नहीं बल्कि चीन को हो सकने वाले नुकसान की है। यहां भी केपी ओली की चीन भक्ति ने नेपाल को MCC का हिस्सा नहीं बनने दिया था, लेकिन अब जाकर शेर बहादुर देउबा की सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। देउबा ने ही चीन के नेपाली सीमा पर अतिक्रमण को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश दिए। लेकिन केपी ओली की सरकार ने चीन को नेपाल में आसान घुसपैठ दे दी थी कि ड्रैगन भीतर तक घुस कर बैठ गया, और नेपाली ब्यूरोक्रेसी में भी चीन की पैठ लगातार उसे मदद पहुंचा रही है। भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काना हो या अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के खिलाफ नेपाल में प्रोपेगेंडा चलाना, चीन की चालबाजियां लगातार कायम है। उम्मीद है तो फिलहाल नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से कि वो थोड़ी सावधानी और समझदारी दिखाते हुए भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते देखते हुए इस दोस्ती को शिद्दत से निभाएं और अपनी कूटनीति तथा विदेश नीति की डोर भी कसकर थामें। साथ ही चीनी निवेश को पूरी तरह देख परख कर ही उस पर फैसला लें, क्योंकि हमारे किसी भी पड़ोसी देश में चीन की घुसपैठ भारत के लिए भी कई मोर्चों पर नुकसानदेह हो सकती है। जाते जाते हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यह था कि दुनिया को आगाह किया जाए कि श्रीलंका में हुई बर्बादी के बाद दुनिया ये समझ जाए कि चीन की जो ये मिठाई है दरअसल ये स्लो पॉइजन काम करती है, यानी एक मुल्क को धीरे धीरे ये निगल जाती उस अजगर की तरह जिसको आपको समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। चीन के विस्तारवाद के एजेंडा आज दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीलंका है कि कैसे देखते ही देखते एक मुल्क अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। और ये किसी एक देशी कहानी नहीं है, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक भी हाल यही है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इस बात को समझेगी, और अगर दुनिया समय रहते इस बात को नहीं समझती है तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कई और मुल्क हों जिनकी स्थिति श्रीलंका जैसी बन जाए। हमारी कोशिश थी आपको समझाने की चीन के विस्तारवाद को, जिससे डरने की जरूरत दुनिया को है, ड्रैगन की चाल को समझने दुनिया को है। हालांकि हिंदुस्तान समय समय पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देता रहा है, और हिंदुस्तान की तरफ अगर चीन नाक दिखाए तो जवाब फिर मिलता है। लेकिन आप देखते रहिए आज तक, इजाजत दीजिए।